जनपद के थाना भेजोई क्षेत्र के गांव समसोई में दहशत का माहौल, पुलिस बल तैनात। बताया जा रहा है कि मनरेगा कार्य को लेकर हुई थी फायरिंग। सपनीता छोटेलाल दिवाकर मौजूदा प्रधान पति हैं। सुबह दोनों बाप बेटे छोटेलाल दिवाकर और बेटा सुनील घर से जंगल में चल रहे मनरेगा कार्य पर गए थे, लेकिन वहां पर गांव के सवेंद्र और उनके पिता जितेंद्र तथा अन्य लोगों ने मनरेगा द्वारा सड़क निर्माण को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें मामला इतना बढ़ गया कि सवेंद्र और उनके पिता जितेंद्र ने लाइसेंसी राइफलों से दोनों पिता पुत्र पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें छोटे लाल दिवाकर और उनके बेटे सुनील की मौके पर ही मौत हो गई। डबल मर्डर की सूचना पर इलाके में सनसनी फैल गई। उधर ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस के लिए छोटे लाल दिवाकर द्वारा फोन पर अवगत कराया गया था, लेकिन पुलिस ने लापरवाही के चलते मौके पर जाना मुनासिब नहीं समझा। इसी के चलते स्थानीय लोगों ने संभल के SP यमुना प्रसाद से लापरवाह पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग की है। यदि समय के चलते पुलिस मौके पर पहुंच जाती तो ये दोहरा हत्याकांड होने से बच जाता। मौके पर पहुंचे SP संभल ने हत्या आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की 3 टीमों को नियुक्त किया है। साथ ही लापरवाह पुलिस कर्मियों के विरुद्ध भी जांच की कार्यवाही की बात कही है। संभल के पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद, अपर पुलिस अधीक्षक के अलावा कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची है और घटना की जानकारी ली। गाँव में पुलिस बल तैनात है और दहशत का माहौल बना हुआ है। मेरा नाम ओमपाल प्रजापति है। ये मर्डर वाला मामला क्या है? इन नरेगा वाले थे, ये मजदूर पार्टी थे, बाहर के गांव के कर रहे नहीं थे, बाहर के मजदूर पार्टी थी, बाहर के आए थे, उनसे भी इन लोगों ने, ये मारवाड़ी थे पंडित जी, इन लोगों ने कही थे आप भाग जाओ नहीं आप पे भी गोली मारेंगे। इनने फावड़ा लेके भागे थे, मगर उन पे भी गोली, बंदूक मारने की कोशिश करी, गोली उछाल ली, तो फिर कुछ लोग इधर भाग गए, कुछ लोग मजदूर पार्टी इधर भाग गए, उनने इधर को ला के यहाँ कुछ उन्हें धक्का भी दिया, तू क्या करेगा, तू क्या करेगा। प्रधान जी ने किसी को गाली दे रहा है, नहीं प्रधान जी का लड़का दे रहा, प्रधान जी के लड़का बोल रहे थे आप गोली मार के दिखाइए मुझ में, काप मार दूंगा। उनने 3 गोली इनमें मारी थी और प्रधान जी में यहाँ गोली मारी थी, उनके हाथ में लगी, हाथ में से भूख में लगी थी। फिर अब वे लोग इधर को भाग गए थे। क्या इनके कोई पुरानी रंजिश थी? क्या कुछ नहीं थी, और वो प्रधान में विवाद था मनरेगा की सड़क को बनाने को लेकर के, जिसमें आपस में फायरिंग हुई थी, जिसमें ये पिता पुत्र छोटे लाल दिवाकर और उनका पुत्र सुनील, इनकी मौके पर मृत्यु हो गई है और बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और यहाँ पे FIR लिखी जा रही है तहरीर लेकर के। कुछ लोगों को हमने हिरासत में लिया है और अभी घटना का जल्द से जल्द खुलासा करेंगे। 3 टीमें बनाई गई है इसमें और सारा पुलिस बल इसमें लगाया गया है, जल्दी ही हम घटना का खुलासा करेंगे। अभी ये समझो गांव में दो मर्डर हुए हैं, ये क्या मामला? देखिए, ये कोई भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है तो ये कोई नया काम नहीं हुआ है। किसी जाति, OBC हो, पिछड़ी जाति के लोग हों, माइनॉरिटी के लोग हों, यादव समाज के, ये तो जब से 2017 से BJP की सरकार बनी है ये लोग टारगेट पे हैं और आज इसी का नतीजा समसोई गांव में छोटेलाल दिवाकर और उसके बेटे सुनील की हत्या है। खूब आप लोग भी जानते हैं, मैं बताऊँगा कोई नई बात नहीं होती, 5 साल के अंदर अभी कितनी हत्याएँ बाकी रह गई हैं, ये मेरा सवाल BJP के लोगों से है कि वो बताएंगे कि अभी कितने लोगों को और मारना बाकी रह गया है, निर्दोषों को जो गांव में काम करा रहे हैं, प्रधान हैं, शरीफ लोग हैं, तो ये उनका कब तक सफाया कर देंगे? ये BJP को जवाब देना पड़ेगा इस मामले में। दोषियों को कार्रवाई चलाने के लिए आप लोग नहीं, NSA लगनी चाहिए। अभी तो कार्रवाई भी देखेंगे हम, क्योंकि पुलिस ही जब 2 घंटे बाद आ रही है तो उसकी कार्रवाई पर क्या भरोसा करेंगे आप? कहीं ना कहीं मानते हैं पुलिस की कार्रवाई। नहीं, पुलिस 2 घंटे बाद क्यों आई? मुझे जवाब देना, प्रशासनिक व्यवस्था इस बात का जवाब दे कि 2 घंटा लगता है समसोई आने में, जहाँ हेडक्वार्टर 2 किलोमीटर हो, 3 किलोमीटर हो, तो वहाँ से आने में 2 घंटे पुलिस को लगेंगे, तो इसका मतलब ये कहाँ निशाना है? एक घंटा पहले सूचना दे दी गई है और ये नई बात थोड़ी है, ये तो बहुत दिनों से चल रहा था। वो प्रत्याशी रहा है मेरा, पार्टी का सच्चा वफादार है, हमारी पार्टी का प्रधान है, उसकी बीवी प्रधान होना क्या जरूर है BJP की सरकार में? आपने पार्टी के मैंने राष्ट्रीय नेतृत्व को अवगत कराया है सुबह, पार्टी के सांसद और विधायकों को भी, और इसमें भारतीय जनता पार्टी देखते हैं कि किस लेवल से कार्रवाई करती है। हालांकि कार्रवाई अब तक 4th साल सरकार को चल रहा है, आखिरी सांस वेंटिलेटर पर सरकार चली गई है, लेकिन आखिर वक्त तक ये लोग बाज नहीं आ रहे जो सरकार में शामिल लोग हैं। ये चाह रहे हैं कि इनका सफाया कर दें, लेकिन जनता इनका सफाया कर देगी निश्चित, ये बात तय है। आज समसोई गाँव में इस बात की नज़ीर है कि BJP का क्या हाल है। अब कुछ नहीं लूटने को BJP के लोग आ जाएं, उससे कोई फायदा तो है नहीं, जनता जानती है। और समय मंत्री जी, आज बहजोई कोतवाली क्षेत्र के फतेहपुर समसोई गांव में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, आप मौके पर आए, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं इसमें यही कहना चाहूंगी, गांव में छोटी छोटी बातों को लेकर मानसिक संतुलन इतना बिगाड़ लेते हैं जिसके वजह से ये सब वारदातों के लिए अंजाम मिलता है।
और ये नहीं होना चाहिए। इसके खिलाफ पुलिस जितनी सख्ती से सख्त कार्रवाई हो सकती है उतना पुलिस करे। अब इस समय जब चूंकि एक परिवार के दो लोग खत्म हुए हैं तो परिजन कोई भी सवाल उठा सकते हैं, उनके सवालों को रोका नहीं जा सकता। तो इसमें आप कार्रवाई के लिए क्या निर्देश देंगे? अरे जब दो हत्याएं की गई हैं तो इसमें कार्रवाई में संदेह क्यों है कि कार्रवाई नहीं की जाएगी, ये बताइए आप। पुलिस पूरी कार्रवाई करेगी और जो दंड मिलना चाहिए वो कानून के आधार पर मिलेगा। कानून के हाथ इतने लंबे हैं कि उससे कोई नहीं बच सकता, कहीं पर भी नहीं बचा जा सकता, ये आप विश्वास रखिए। और मैं सबको आश्वस्त करती हूँ जितने लोग यहाँ खड़े हैं कि जो व्यक्ति अपराधी है, जो जिस व्यक्ति ने कोई वारदात को अंजाम दिया है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उस कार्रवाई से उसे कोई भी नहीं बचा पाएगा।